वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं BLIS का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये BLIS 104 का प्रैक्टिकल टॉपिक है और इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम कोलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल क्लास मेडिसिन को डिस्कस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका एल मेडिसिन का फॉर्मूला है। कभी भी आप जब से मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, लाइब्रेरी क्लास, लाइब्रेरी साइंस की जो मेन क्लास थी या ओल्ड लिटरेचर की, तो उसमें मैंने आपको सभी फेसेट फार्मूले के बारे में बताया था कि इसी फॉर्मूले के थ्रू हम कोई भी प्रॉब्लम बनाते हैं सीसी में। तो ये फेसेट फार्मूला है और इसमें सभी एलिमेंट्स को मैंने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एल जो आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये एल एडिंग मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रही है और पी फॉर ऑर्गेन है एंड देन ई फॉर एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का मतलब ये है कि डिजीज टाइप, और सेकंड पी का मतलब है टू पी। टू पी का मतलब है यहाँ पे कि टाइप ऑफ डिजीज। सपोज दैट आपका डिजीज एक आपका ई है एनर्जी एंड टू पी यानी कि किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया, तो ये एक तरह से टाइप ऑफ डिजीज है। ठीक है, इसी प्रकार से टू ई की बात करें तो ये सेकेंड एनर्जी है और ये ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देन 3P का मतलब होता है टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। सपोज दैट आपका कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो ये N2E है। देन 3P का मतलब जैसे कि सर्जरी हो गई, तो ये आपका टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डिटेल में कि पी ऑर्गन्स कहाँ से लेंगे हम, 2E कहाँ से लेंगे या 2P कहाँ से लेंगे या फिर आपका 3P कैसे लेंगे। तो अभी मैं डिस्कस करूंगी। तो देखिए आप पी ऑर्गन्स जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, ऑर्गन्स, तो वो सारे हमारे ऑर्गन्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे लोअर एक्सट्रीमिटी है आपका, एब्डोमेन है ना, थोरेक्स है, अपर एक्सट्रीमिटी है, तो ये नेक है, तो ये सारे क्या है, ऑर्गन्स है। तो जब भी आप पी लेना है, पी पर्सनैलिटी होती है, तो यहाँ पे एल मेडिसिन में हम पी पर्सनैलिटी के अंदर ऑर्गन्स को लेंगे, यानी कि हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको एज अ पी पर्सनैलिटी यूज़ करेंगे। एंड अब बात कर लेते हैं ई क्या है। ई फॉर एनर्जी है और ई का मतलब यहाँ पे है कि डिजीज किस क्या डिजीज है, देन आपका टाइप ऑफ डिजीज आ जाएगा। तो यहाँ पे डिजीज की बात नहीं, यहाँ सारे ऑर्गन्स हैं। आपको लंग्स दिख रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिख रहा है, लारिंक्स दिख रहा है ना, आपका ब्लड है, तो ये सारे हार्ट हैं, ये सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं। तो एक सरसरी निगाह से जरूर आप ऑर्गन्स को देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बनाने में आपको ईजी रहे। एंड अब हम बात कर लेते हैं ये ई क्या है। ई कम टू पी दे रखा है, तो यहाँ पे ई आपकी जो ये बोल्ड में दे रखा है वो सारी ई है, एंड देन आपके जो ये स्मॉल्स में दे रखे हैं वो आपके पी हैं, टू पी हैं, सेकेंड पर्सनैलिटी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिजीज, ठीक है, 4E, और ये देखिए ये ई लिखा हुआ है ना, तो ये ई पहली वाली जो ई है ये यहाँ से हम लेंगे, एंड देन जो 2P है सेकेंड पर्सनैलिटी वो हमारी ये एट्रोपी हो गया, हाइपरट्रोफी हो गया है ना, आपका फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये क्या है, सारे 2P हैं। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं कि 2E क्या है एंड 3P क्या है। ठीक है, तो ये आपको नर्सिंग दिख रहा है, इथोलॉजी है, सिम्टम है, डायग्नोसिस है, तो ये सब क्या है, आपकी 2E है यानी कि सेकेंड एनर्जी है। एंड देन ये थेरेपेटिक है ना, तो इसे ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट जब भी आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर लगाएंगे और इसे आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, और ये सारी जो आपको नीचे नजर आ रही है फिजिकल मैथड, केमिकल मैथड, ये सब क्या है, आपकी 3P है। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। ठीक है, और अभी ये स्पेशल और सिस्टम भी है, जैसे हमारे मतलब मेडिसिन में अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं जिनके थ्रू हम इलाज करते हैं। तो आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, तो ये क्या है, सिस्टम्स हैं। एंड किस प्रकार के स्पेशल, जैसे कि अलग अलग स्पेशल मतलब ट्रीटमेंट होते हैं ना, अलग अलग टाइप ऑफ पर्सनस के लिए, से चाइल्ड हो गया या विमेंस हो गई या ओल्ड एज पीपल्स हो गए, तो उनके स्पेशल मतलब यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। चाइल्ड के लिए LIC है, LID एडोसेंट के लिए, तो ये सारे हम कैसे यूज़ करेंगे, तो प्रॉब्लम के थ्रू हम डिस्कस करेंगे अभी कैसे कैसे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं सबसे पहले। यस, तो यहाँ पे हार्ट, लंग, किडनी, थायराइड, ग्लैंड, स्किन, हेयर, नेल, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। जब भी आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे तो सिंपल सा जैसा कि मैं प्रीवियस प्रॉब्लम्स में डिस्कस करती आई हूँ कि फेसिक फार्मूले को ध्यान में रखना है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि एल हो गया, पी हो गया, फिर कोलन ई, टू पी है, देन कोलन थ्री,
कोलन 2E एंड 3P है, तो इसी तरह से हम वन बाई वन उसको लेते जाएंगे। इसे सपोज दैट हार्ट है, तो अब हमें क्या करना होगा कि हम हार्ट में जाएंगे यानी कि पी ऑर्गन्स में जाएंगे। हमें हार्ट को देखना है पी ऑर्गन्स में क्योंकि ये पर्सनैलिटी है ना। तो यहाँ पर हम हार्ट में जाएंगे और जैसे कि यहाँ पे हमें हार्ट का नंबर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा, क्योंकि हमारा ये पी ऑर्गन ही है, इसमें ना ई दे रखा है ना ही हमें 2P दे रखा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, एल, और इसके बाद हमें सिंपली हार्ट का नंबर लगा देना है क्योंकि सिंबल नहीं दे रखा है एल और पी के बीच में। तो हमें क्या करना होगा, L32 हमारा हार्ट का नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि सपोज दैट आपका नोज का है या हेयर का है, तो हेयर का भी आप क्या करेंगे, L881, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगी इसको, ठीक है। सपोज दैट नेल्स का है, तो यहाँ पे नेल नजर आ रहे हैं, ये सारे पी के अंदर आ रहे हैं यानी कि बॉडी ऑर्गन्स के आ रहे हैं यानी कि पर्सनैलिटी की तरफ ट्रीट होंगे। और हम सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, हमारा एल आएगा और उसके बाद नेल का नंबर या हेयर का नंबर या आपका जो भी आपको ऑर्गन दे रखा होगा उसका नंबर हम लोग इजिली लगा देंगे। सपोज इट अगर आपका स्किन होती, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, L:87, बस सिंपली इस तरह से आपको करते जाना है और उसका नंबर इस तरह से आपका। तो सिंपली जो भी आपका नंबर बनना है आप पी ऑर्गन में जाइए सिंपली, और एल के बाद विदाउट एनी सिंबल आप उसे पी को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे हमारे फिजिक्स फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि हमें कोई भी सिंबल एल और पी के बीच में यूज नहीं करना है, दैट्स वाई, ठीक है। तो इस तरह सपोज दैट आपका मतलब बोन का नंबर बनाना है तो क्या करेंगे, L82, क्लियर हो रहा होगा आई होप सो, ठीक है। तो ये आपका जो पहला प्रॉब्लम है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से लंग्स का भी बना लेंगे सिंपली है। हार्ट का हमें क्या बनाया था, एल, हमें क्या बनाया था, एल का, इसका एल, क्योंकि हमारे पास कोई भी इसके बीच में फॉर्मूले में कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला मैं अगेन आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला है, एक सेकंड, यस, देखिए ये फॉर्मूला में जैसे कि आपको बता रखा है ना कि एल और पी में कोई भी सिंबल नहीं यूज होगा, तो हमने इसी तरह से एल के बाद सिंपल सा हार्ट के लिए क्या किया, कोलन इस तरह L32 लगा दिया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, हार्ट का नंबर, ठीक है। इस तरह से बोन्स का बन जाएगा, हेयर का बन जाएगा, जो भी आपके बॉडी ऑर्गन्स होंगे उस तरह से ये सिंपली आपको एल लगाना है, एल मेडिसिन का, और जो भी बॉडी ऑर्गन्स होंगे उसको आप अप्लाई कर देंगे तो ये आपका वो नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे। ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं, यस सॉरी, थोड़े से बहुत थोड़े से टफ प्रॉब्लम आए हैं, बहुत ही मतलब एक तरह से मॉडल लेवल की, तो आर्टिफिशियल अबॉर्टिंग। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये क्या है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से जाना है, हमें प्योर ऑर्गन देखेंगे, ठीक है। ये फीमेल्स का ही एक तरह से आपका प्रोसेस है, तो ये यहाँ पर हमें मिलेगा आर्टिफिशियल ऑपरेशन अबॉर्शन, सॉरी, आपको मिलेगा मतलब फीमेल्स की डिजीज के अंदर का, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल अबॉर्शन का नंबर बनाते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, जाना है वहाँ पर और हम फिर इसके यहाँ पर देखेंगे कि ये किसके अंदर आ रहा है, ठीक है, यस। तो ये बेसिकली देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आपको खुद अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं ये एल के सारे दे रखे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज है और यहाँ पर फीमेल्स का, अभी आप एक सेकेंड में चेक करती हूँ, यस यस, देखिए यहाँ पे L9F फीमेल मेडिसिन का दे रखा है, ठीक है। और आपको पता ही होगा आर्टिफिशियल एबॉर्शन किसके अंदर आएगा, फीमेल्स की मेडिसिन या डिजीज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें ही देखेंगे हम, ठीक है। तो L9F तो हमें लगाना ही लगाना है, जितने भी इसके नीचे जो भी आएंगे हमारे एलिमेंट उन सबके आगे हमें L9F लगाना होगा, ठीक है। अब हमें L9F के साथ में हमें आर्टिफिशियल एबॉर्शन का नंबर देखना है, तो एबॉर्शन का देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 3-4, ये 2E है आपका, ठीक है, सॉरी E है, 2E नहीं है, यस E है आपके, 2E नहीं है, ठीक है। तो L9F हो गया आपका ये, और यहाँ पर ये आपका
अबॉर्शन है देन आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो अब अबॉर्शन आर्टिफिशियल आप अलग से नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 अबॉर्शन का दे रखा है, और अगर ये आर्टिफिशियल टाइप का होगा, ठीक है, अगर नेचुरल होगा तो हम सिंपली 1 लगाएंगे, क्योंकि 1 नेचुरल का नंबर है, 5 आर्टिफिशियल का है और 3-4 अबॉर्शन का है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा L9F345, ठीक है। इस तरह से हम नंबर बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे अभी हम देखते हैं, एक सेकेंड। ये L9F हो गया आपका, ठीक है, और हम ये 3-4-5, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, तो हम इसे ऐड करेंगे कैसे, हमें क्या करना है सिंपली, L, ठीक है, और हमें 9F, ठीक है, ये फीमेल का है। अब हमें कोलन लगा के, क्योंकि कोलन एनर्जी के पहले लगता है, इसलिए हमें कोलन लगाया, ठीक है, और ये 3-4-5, ठीक है। तो ये हमारा किसका बन गया, आर्टिफिशियल एबॉर्शन का नंबर, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा इसके स्क्रीन पे भी आपको उसके सामने भी लेते हैं, तो ये आपका क्या बन गया, आर्टिफिशियल एबॉर्शन का नंबर बन जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एबॉर्शन को हमने यहाँ से 3-4-5 लिया, और आपका L9F फीमेल का मेडिसिन का नंबर है, ठीक है। तो हमने इसे इस तरह से ले लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की। यस, ये हमारा L9 पर, ये हमारा इसका बना था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल की, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल किस में आएगा, आप सोचिए, ये भी फीमेल्स में ही आएगा, तो हमें इसमें भी L9F लगाना होगा, और वहीं पर हम सर्च करेंगे जिससे भी हमने प्रीवियस सर्च किया था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा L9F में जाना पड़ेगा, और यस, तो बर्थ कंट्रोल का आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 394 दे रखा है, ठीक है। तो ये भी आपकी एनर्जी है, और इसमें आपका पूरा बना बनाया नंबर बर्थ कंट्रोल का है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, L9F जैसे हमने वहाँ पर ऐड किया था, तो सिंपली हमें भी L9F करके, और हम इसे 394 नंबर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहा होगा ना, ये बर्थ कंट्रोल दे रखा है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब हम इसे नंबर फॉर्म करते हैं, तो ये हमारा कैसे बना, 394 बना था इसका हमारा, ठीक है। ये हमारा L9F:3-9-4, तो ये हमारा किसका बन गया, ये हमारा बर्थ कंट्रोल का नंबर बन गया, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसी तरह से हम हार्ट ट्रांसप्लांट का करेंगे। अब हार्ट ट्रांसप्लांट तो कॉमन है, किसी की भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सर्च करेंगे, हार्ट आपका क्या है, हार्ट आपका ऑर्गन आएगा, ठीक है। तो हार्ट का भी मैं देखा था 32 नंबर था, ठीक है। अब ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे, सर्जरी के थ्रू करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो हम इसे एक तरह से ट्रीटमेंट के अंदर लेंगे, किस तरह से ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आपसे इसे लेते हैं, किस तरह से हम इसे बनाएंगे, तो क्या देखना है ट्रांसप्लांट का, ठीक है। तो हम ट्रांसप्लांट, लेकिन इस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पहले हम इसे फोन लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई बीमार नहीं होगा तब तक हम इसका उपचार नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें ये हार्ट का किस में मिलेगा, ऑर्गन में, ठीक है। तो सिंपली हम आपका L32 बन जाएगा आपका। अब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है ट्रांसप्लांट का नंबर, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्रांसप्लांट हमें कहाँ मिल रहा है। यस, तो ट्रांसप्लांट जो भी हार्ट की ट्रांसप्लांट होती है ना, तो वो सर्जरी के थ्रू होती है। तो यहाँ पे हम उसका आपका ये सर्जरी का हमारा ट्रांसप्लांट का नंबर बन जाएगा, और यहाँ 32 में L को ले रखा है, और ये सर्जरी हमारी किस में आ रही है, एक सेकेंड इसे हम चेक कर लेते हैं। सर्जरी आपकी टाइप ऑफ उसमें ट्रीटमेंट में आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया आपका 2P हो गया, ठीक है। 2P के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, कोलन लगाते हैं, और हमारी जो डिजीज है वो हमारी क्या है, ई, जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर डिजीज आपकी ई है, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको नजर आ रहा है, एक सेकेंड, यस। तो ये क्या है, डिजीज का नंबर कितना लगा है हमें, 4, ठीक है। और हमने ट्रांसप्लांट का एज ए सर्जरी हम यूज करेंगे, क्योंकि सर्जरी के थ्रू ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं हार्ट की, तो हमने यहाँ पे 7 का नंबर ले लिया, ठीक है। वहाँ पे 4 हमारा डिजीज है ई में, और ये हमारा क्या है 2P, ठीक है। तो हमारी सर्जरी है, ठीक है, सॉरी ये 2E है, जो टाइप ऑफ मतलब ट्रीटमेंट का प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे नंबर इसका, हम बनाएंगे नंबर इसका
एक सेकेंड। हाँ तो हमारा क्या बनेगा, एल थ्री टू, ठीक है। एल क्या है आपका, एल मेडिसिन है, थ्री टू आपका हार्ट का नंबर है, फिर कोलन लगाया, फिर ई आएगा, ई का नंबर यानी कि फोर आपकी एनर्जी है, क्योंकि पहले बीमार करेंगे देन हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ये फोर आपका एनर्जी है, देन आपका सेवन क्या है आपका टू ई है, ठीक है। तो ये आपका पूरा नंबर बन गया हार्ट ट्रांसप्लांट का, ठीक है। तो ये आई थिंक आपका इसका कितना बना था, एल 394 बना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये इसका बन गया था, और उसका भी मैंने बना के आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स की। यस, तो ये टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम, देखिए इसमें थोड़ा सा मतलब अपडेट हुआ है कि इसमें सिद्धा सिस्टम भी आ गया है। तो हम इसे कैसे ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, जब भी सिस्टम और स्पेशल के केसेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सिस्टम को लगाते हैं, और सपोज अगर स्पेशल आया है तो हम स्पेशल को लगाएंगे, फिर अगर सपोज पर्सनैलिटी आई है तो हम कॉमा लगा के पर्सनैलिटी को ऐड करेंगे, और सिद्धा के मतलब जो सिस्टम है सिस्टम के बाद कॉमा लगा के स्पेशल को ऐड करेंगे, देन हम उसके बाद अगर पर्सनैलिटी ही आती तो भी हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, और फिर एज इट इज़ अगर टू ई है जो भी है वो हम ऐड करते जाएंगे फेसिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे गायनोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम है, ठीक है। तो गायनोलॉजी की बात करें अगर हम, तो फीमेल्स के अंदर आएगा आपका ये नंबर, और सिद्धा सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिस्टम यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल सी आपका सिद्धा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें गायनोलॉजी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गायनोलॉजी तो नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन फीमेल्स के अंदर आएगा तो हमने अभी दिखा था थोड़ी देर पहले अबॉर्शन का नंबर बनाया था, तो वो कहाँ से मिला था, एल नाइन एफ, यानी कि फीमेल्स का ही आपका स्पेशल है, और उसमें ही आपके मतलब रेडीमेड नंबर दे रखे हैं, जैसे आर्टिफिशियल अबॉर्शन हो गया या आपका बर्थ कंट्रोल हो गया, तो यहीं पे आपको गायनोलॉजी का भी नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ से उसका गायनोलॉजी का नंबर सर्च करते हैं एल आई एन एफ में जाके, ठीक है। यस, तो एल आई एन एफ है आपका फीमेल का हो जाएगा, और यहाँ से हम गायनोलॉजी का नंबर देखते हैं। तो एल आई एन एफ के अंदर ही आपका गायनोलॉजी क्या होता है, आपका जितने भी फीमेल्स डिजीज होते हैं वो गायनोलॉजी के अंदर आती हैं या एल आई एन एफ के अंदर आती हैं। तो हम इसमें केवल एल आई एन एफ का ही इस्तेमाल करना है, और सिंपली हमें नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें सिद्धा सिस्टम को एक बार बस चेक कर लेते हैं, और हमारा नंबर है वो तैयार है, ठीक है। तो एल सी आए तो हम क्या बनाएंगे इसका, एल सी, ठीक है। ये था आपका नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, सिंपली एल, ठीक है, और हमने पहले सी लगाया क्योंकि ये सिद्धा का नंबर है, फिर कॉमा लगा के हमारे पास स्पेशल है टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो हमने नाइन एफ। अब यहाँ पे एल नाइन एफ था, लेकिन चूंकि रिपीट नहीं होता है तो हमने एल को काट दिया, ठीक है, इसलिए हमने केवल नाइन एफ को लिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या बचा, हमारा पूरा नंबर बन गया, बस हमें डिजीज को ऐड करना है, क्योंकि कभी भी कोई भी मेडिसिन में जब प्रॉब्लम बनती है तो आप डिजीज को जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि मेडिसिन में जब तक कोई बीमार नहीं होगा तब तक हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो ये आपका पूरा नंबर बन गया डायग्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू सिद्धा सिस्टम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेना है, देन ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें भी क्या आया है कि एक स्पेशल आया है चिल्ड्रन, ठीक है, और ये स्टमक आपके क्या है, ऑर्गन, ठीक है। ट्रीटमेंट का नंबर मैंने देखा था कितना, सिक्स था, ठीक है। तो स्टमक का देख लेते हैं और चिल्ड्रन का देख लेते हैं, और डिजीज को हम लोग फोर लगाते हैं ई में, ठीक है। तो हम इसे नंबर बनाते हैं, पहले हम जाके इसका बॉडी ऑर्गन देखते हैं कि ये स्टमक का नंबर कितना है, ऑर्गन्स में जाके पी में, ठीक है। यस, तो स्टमक का नंबर आपको देख पा रहे हैं 24 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस अब आप मेरे ख्याल से आपका ट्रीटमेंट का नंबर भी आपको यहाँ पर 24 आपका कितना है स्टमक का, ठीक है। तो स्टमक का आप नोट कर लेंगे 24 आ गया, ठीक है। और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, आई थिंक 6 है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ट्रीटमेंट इसका 6 है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी 2E है, ठीक है, 2E क्या होगी आपकी ट्रीटमेंट, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट यानी कि 6, ठीक है। और हमने पी क्या लिया था, पी था आपका 24, यानी कि आपका जो स्टमक का नंबर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल हमें हमें चाइल्ड का था ना, तो चाइल्ड को हमने एल आई सी लिया, तो हमें क्या नंबर बनाना है कि एल आई सी हो गया आपका, ठीक है, 24 आपका स्टमक का था, इसको हमें क्या करना है, एल नाइन
सी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका स्पेशल। अब इसके बाद हमें बनाना है स्टमक का नंबर, स्टमक का नंबर कितना था, 24, ठीक है। और फिर क्या आएगा हमारा, डिजीज, ठीक है, 4। और इसके बाद हमारा क्या आएगा, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये हमारा 2 ही है, ठीक है, 2 ही है हमारा, ट्रीटमेंट का नंबर 6 था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नंबर हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ये चिल्ड्रन अलायंस ही है, ये स्पेशल है, 24 बॉडी ऑर्गन है आपका, ठीक है, 24 स्टमक का नंबर है, 4 ई है एनर्जी आपकी, पहली एनर्जी, और सेकंड क्या, 6 क्या है, ट्रीटमेंट, यानी कि आपका सेकंड एनर्जी, ठीक है, ये पहली एनर्जी है और ये सेकंड एनर्जी है। तो ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन नंबर बन गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज, ठीक है। तो इसमें भी ट्रीटमेंट का 6 आ जाएगा और लंग्स का नंबर निकालना है, 4 डिजीज का लगाना है, तो हमें बस केवल लंग्स का नंबर निकालना होगा। और लंग्स के नंबर के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम लोग बॉडी ऑर्गन्स में जाएंगे, ठीक है, यानी कि पी पर्सनैलिटी बॉडी ऑर्गन्स। 45 लंग्स का हो गया, बाकी हमें पता है, ठीक है, लंग्स क्या है, पी है आपका, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रॉब्लम्स वाले पेज पे और इसका नंबर फॉर्म करते हैं। ये हमारा लंग्स का 45 नंबर था, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ट्रीटमेंट का हमें पता है, ये 6 नंबर अभी निकाला था पहले, डिजीज का 4 होता है, तो हमें क्या करना है, L 4 5, ये पी है, ठीक है। और हमारा जो ट्रीटमेंट आपकी 2E है और डिजीज क्या है आपकी E, तो हमें E को यूज़ कर, E को ऐड करने से पहले हम लोग कोलन का इस्तेमाल करते हैं, और डिजीज का नंबर 4 है, सॉरी, ठीक है, 4 है, ठीक है। और इसके बाद हमारी 2E आएगी, यानी कि 6। तो ये हमारा किसका नंबर बन गया, ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिजीज का, ठीक है। इसी प्रकार से इन्फेक्शन डिजीज का नंबर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल में जाएंगे और डिजीज का 4 है, बस इन्फेक्शन का नंबर देखना है। और इसका नंबर जनरली ऐसे बनेगा, 4 बनेगा, और यहाँ पे 4 आपका डिजीज है, किस टाइप का आपका डिजीज है, वो इन्फेक्शन टाइप का डिजीज है, तो हमें डिजीज के पास ही ये आपकी 2P मिल जाएगी, इन्फेक्शन। तो अब हम जाके डिजीज के पास इन्फेक्शन का नंबर देख लेते हैं, फिर नंबर फॉर्म करते हैं। जहाँ पे आपने डिजीज का नंबर लिया था, यहीं पे आपको इन्फेक्शन, यस 2 ये ना, 2 है, सॉरी। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा बस 2 ऐड कर देना है, और हमारे पास E के बाद जब हम 2P ऐड करते हैं, तो कभी भी कोई दूसरे सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल हम कोलन के जस्ट बाद 4 लगाएंगे और इसके जस्ट बाद 2 का नंबर लगा देंगे, तो हमारा इन्फेक्शन डिजीज का नंबर बन जाएगा, ठीक है, यस। तो हमने सिंपल क्या किया, ये बनाया और ये हमारा 4 लग जाएगा, बिकॉज ये एनर्जी है, ठीक है, और ये आपकी 2P है, ठीक है। तो ये आपका इन्फेक्शन डिजीज का नंबर बन गया, और ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिजीज का नंबर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, यस, प्रिवेंशन इन फेलियर्स इन डिजीज ऑफ आईज बाय आयुर्वेदा सिस्टम। अब हमें क्या लेना है, आईज का नंबर ढूंढना पड़ेगा, आयुर्वेदा का सिस्टम मिल जाएगा, और प्रिवेंशन फीमेल भी मिल जाएगा, ठीक, फीमेल का आपका एल लाइन एफ लेना होगा, ठीक है। तो हमें नंबर बनाना है सिंपली, क्या करेंगे हम जाके, तो ये आइस का नंबर हो गया, ठीक है, 185 में नोट कर लिया, ये आइस का नंबर है पी ऑर्गन्स में, ठीक है। और इसके बाद आपका इन्फेक्शन, सॉरी, हमें देखना है डिस उसका नंबर, यस, प्रिवेंशन का आपका 5 यहाँ पे नजर आ रहा है आपका, ठीक है, और ये 2E है, ठीक है, 2E है आपका। और हमें बस एक और नंबर देखना है, क्या है वो, हमें देखना है क्या था वहाँ पे, सिद्धा, तो आयुर्वेदा सिस्टम का नंबर यहाँ पे दे रखा है LB, ठीक है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे, तो ये आपका फीमेल्स का तो L9F है, ठीक है, आपका LC क्या है, LC था ना, ये LB था, सॉरी, तो आपका LB बनेगा, ठीक है, LB क्या है, आयुर्वेदा का है, ठीक है, आयुर्वेदा का आपका LB हो गया, फीमेल का हो गया L9F, ठीक है, डिजीज का 4 हो गया, आइस का 185 हो गया, ठीक है, और प्रिवेंशन का आपका 5 हो गया। अब हमें नंबर फॉर्म करना है, फिजिक फॉर्मूला में अप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LB ये आपका सिस्टम है, फिर हमने स्पेशल रखा 9F, L को अवॉइड करेंगे, वैसे हमारा L9F होता है, बट चूंकि रिपीट नहीं होना है, इसलिए हमने सिंपली 9F लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ऑर्गन्स आएगा, यानी कि पी, तो हमने 185 आइस का नंबर ले लिया,
इसके बाद क्या आएगा, डिजीज यानी कि एनर्जी यानी कि फोर। देन हमारे पास क्या आएगा आपका प्रिवेंशन, ये हमारा 2B आएगा और ये हमारा 5 नंबर आपका प्रिवेंशन स्टेप का है। तो ये हमारा पूरा नंबर फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से, प्रिवेंशन इन फीमेल इन डिजीज ऑफ आइज बाई आयुर्वेदा सिस्टम। ठीक है, एलबी सिस्टम है आपका, एल लाइन अप क्या है फीमेल्स का है, आइज का नंबर 185 है, 4 आपकी डिजीज है और 52 ये आपकी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, सो लंग्स डिजीज ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन बाई होम्योपैथी। तो इसमें भी सिंपली करना है, होम्योपैथी का नंबर लगाना है, चिल्ड्रन का सर LC है और ट्रीटमेंट का 6 है, डिजीज का 4 है, लंग्स का नंबर हमें बस केवल देखना होगा। ठीक है, बाकी हमें सारी ऐसे याद है। ठीक है, तो हम बस हमें लंग्स का और चिल्ड्रंस का देखना है। ठीक है, लंग्स का हमें एक ने बनाया भी था आई थिंक अभी उन्होंने, लंग्स का ये आपका LL था। ठीक है, आपका एल लाइन से ये था। ठीक है, और ट्रीटमेंट का आपका 6 है, डिजीज का 4 है और आपका ये 45 है। ठीक है, तो ये आपका मैंने अलग अलग नंबर बता दिया कि क्या क्या चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका सिस्टम है, ये स्पेशल है। ठीक है, ये आपकी पर्सनैलिटी P है। ठीक है, और ये आपका E है और ये आपका क्या है सेकेंड E है। ठीक है, तो अब हम इसे नंबर में फॉर्म करते हैं कि किस तरह से नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसका CC में नंबर कैसे बनेगा, तो सिंपल सा पहले हम लोग को सिस्टम लेना है, देन स्पेशल, देन हमें P ऑर्गन लेना है, इसके बाद कोलन लगा के एनर्जी, फिर सेकेंड कोलन लगा के सेकेंड एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, L लेंगे पहले, LL सिस्टम हो गया, फिर कॉमा लगा के आपका L लाइन सी है, तो हम एक एनर्जी को क्रॉस कर देंगे, एक L को क्रॉस कर देंगे और आपका 9C चाइल्ड का बन जाएगा, फिर कॉमा लगा के आपका 4-5 आपकी लंग्स के नंबर बन गया, देन आपका 4 डिजीज हो गया, देन आपका ट्रीटमेंट। तो ये आपका पूरा नंबर फॉर्म हो गया इसका, लंग्स डिजीज ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन बाई होम्योपैथी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, सर्जरी ऑफ कैंसर बाई नेचुरोपैथी सिस्टम। इसमें भी सिंपल है, सर्जरी का नंबर लेना है, कैंसर का नंबर लेना है, ये टाइप ऑफ डिजीज में आएगा यानी कि 2P में आएगा, और आपको नेचुरोपैथी का नंबर लेना है। एक सिस्टम है आपका, एक आपका मतलब ट्रीटमेंट की टाइप है और एक आपका डिजीज का टाइप है। ठीक है, तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ पे मिलेगा ये, हमें जनरली 2P में मिल जाएगा और ये आपका 3P में मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कहाँ पे ढूंढना है, तो हम कैंसर पे जाते हैं पहले, नोमा दे रखा ना, इसे आप कैंसर कर लीजिए। ठीक है, यही आपका कैंसर का नंबर है और यहाँ पर 7257 ये ही आपका कैंसर का नंबर होगा। ठीक है, इसे आप कैंसर कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये वाला ये कैंसर कर लीजिएगा। ठीक है, 7257 और ई का नंबर लग जाएगा, तो हम कैसे बनाएंगे इसका, ये 4 आपको 4 के अंदर आएगा, ये 4 की 2P है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 4 7 2 5 7, क्योंकि इसके बीच में सिंबल नहीं लगाते हम ई और 2P के बीच में, तो हम पूरा नंबर इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और हमें क्या चाहिए था, 4 7 2 5 7 हमारा ये बन गया, हमें चाहिए था नेचुरोपैथी का नंबर। ठीक है, नेचुरोपैथी का नंबर हमें यहाँ पे देख रखा है, क्या है हमारे पास LM है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम पे, ये था सर्जरी ऑफ कैंसर बाय, सर्जरी का नंबर देखना था, सर्जरी का भी आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, 7 सर्जरी का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका कैंसर का कितना था, 7257 और ये 4 आपका एनर्जी है। ठीक है, नेचुरोपैथी का नंबर कितना था हमने देखा था, आपका था ये LM। ठीक है, LM था ये, और बस आपको नेचुरोपैथी का सिस्टम का ये मिल गया। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, L। ठीक है, LM आपका ये सिस्टम आ गया। ठीक है, और फिर आपका कैंसर आएगा। ठीक है, और कैंसर के लिए हम लोग क्योंकि एनर्जी है तो हम लोग ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कोई ऑर्गन नहीं है ना, तो हम ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे हमारी एनर्जी आएगी 4। ठीक है, फिर हमारा कैंसर का नंबर आएगा 7257 यानी कि 2P। ठीक है, 4 7 5 2 5 7। ठीक है, 7257। ठीक है, ये हमारा एनर्जी है और 2P है। इसके बाद हमने 4 लगाया, सॉरी 4 तो डिजीज का हो ही गया, और फिर हमने सर्जरी का नंबर लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा नंबर बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, ये सर्जरी ऑफ कैंसर बाय नेचुरोपैथी सिस्टम, LM आपका नेचुरोपैथी का है,
फोर एलर्जी है डिजीज का, ठीक है, और ये कैंसर है, और ये आपका सर्जिकल नंबर है, यानी कि फ्री ई है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये नंबर, कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, कार्सिनोमा को बस आप कैंसर कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका नंबर फॉर्म हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ये हमारा हो गया, ठीक है, और यूनानी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है, तो ये यूनानी ट्रीटमेंट लेना है, हार्ट डिजीज का नंबर हमें लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो हमें हार्ट का नंबर लेना है बस, हार्ट का नंबर के लिए हम दोबारा वहीं जाएंगे और कुछ नहीं करना है। हार्ट का नंबर हमें लिया था 32,000, एक सेकेंड, हार्ट का नंबर बोल्ड में दे रखा होगा, ये 32 दे रखा है यहाँ पे, और डिजीज का 4 है, और हमें यूनानी का देखना है बस, ठीक है, यूनानी का, यूनानी का कितना है आपका एलडी, ठीक है, और वहाँ पे 32 है, यस। तो हमारा ये एलडी का, ठीक है, ये हमारा क्या था एलडी, ठीक है, और हार्ट का नंबर ये 32, और डिजीज का 4 होता है। सिंपली हमें क्या करना है, ये पी ऑर्गन है, ये ई है, और ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना होगा, एल, ठीक है, 32 लगाएंगे हम, सॉरी 32 नहीं लगाएंगे, पहले सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, हमेशा आप भी ध्यान रखिएगा, एल के बाद सीधे आप, ये आपका सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, एल डी है, एल हमने अवॉइड किया क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर है, ठीक है। फिर हम कॉमा लगा के 32 ऐड करेंगे पर्सनैलिटी को, और इसके बाद हम सिंपली 4 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा नंबर फॉर्म हो जाएगा किसका, यूनानी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज का, ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं, यस, लंग्स ऑफ चाइल्ड, वेरी सिंपल, सिंपल सा लंग्स का नंबर ले लेंगे, और हम इसके बाद आपका लंग्स का 4, 5 है, और चाइल्ड का नंबर लेंगे आपका 9C है, सॉरी हम चाइल्ड का नंबर लेंगे और लंग्स का लेंगे, तो लंग्स का 45 अभी तक हमने कई बार देखा है, तो हमें लंग्स का देख लिया, बस चाइल्ड का नंबर लेना है, तो चाइल्ड के लिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, आप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड का नंबर क्या है, यहाँ पर स्पेशल में है आपका यहाँ पे LNC, ठीक है, तो हमें सिंपल सा चाइल्ड मिल गया, और लंग्स का 45 था आपका, ठीक है, तो हम बना लेते हैं नंबर L9C, ठीक है, ये आपका चाइल्ड का है, और हमारा लंग्स है, लंग्स क्या है हमारा पर्सनैलिटी की ऑर्गन है 45, तो ये आपका लंग्स ऑफ चाइल्ड का नंबर बन जाएगा, ठीक है। और अब हमें बनाना है एक्सरे थेरेपी ऑफ फीमेल्स लंग, ठीक है, तो हम इसका नंबर अब बनाते हैं, एक्सरे आपका आपका बना बनाया नंबर मिलेगा, और थेरेपी का नंबर भी आपको बना बनाया मिल जाएगा, फीमेल्स लंग्स का नंबर बनाना है, लंग्स का भी हमने निकाला था नंबर, ठीक है, तो हम बनाते हैं, लंग्स का भी हम यहीं से लिया था ना 45, तो लंग्स का 45 हो जाएगा, फीमेल का होता है 9F, ठीक है, और हमें एक्सरे थेरेपी का नंबर निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है, तो एक्सरे थेरेपी का नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरे थेरेपी का कितना है 6253, ठीक है, हमें एक्सरे थेरेपी का मिल गया 6253, और हमें कौन कौन से नंबर ढूंढने हैं यहाँ पे 6253, ठीक है, ये आपकी थेरेपी का नंबर हो गया एक्सरे थेरेपी का, ठीक है, और आपका यहाँ फीमेल की बात हो रही तो यहाँ पे 9F लग जाएगा, और लंग्स का है 45, ठीक है, अभी मैं ढूंढा था, तो हम बार बार नहीं ढूंढेंगे, लंग्स का नंबर आपका 45 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, आपका ये एक्सरे का नंबर है, 9F सिस्टम है आपका, और थेरेपी का नंबर हमें देखना है, थेरेपी का हमने यहाँ पे 6 लिया था, ठीक है, तो 6 के बाद हम लोग यहाँ पे 6 दे रखा है ना, हम लोग ऐड नहीं करेंगे, टाइप ऑफ आपका एक थेरेपी है एक्सरे, ठीक है, तो हम इसे सिंपली H253 इसमें ऑलरेडी है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिया, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है 9F, और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास 4 आएगा, ठीक है, और हमें 6 सॉरी कोल लगा के 6253, ठीक है, क्योंकि 6253 हमारा एक्स थे, 6252 है, सॉरी 53 है, ठीक है, 6253 आपका ये थेरेपी का नंबर, सॉरी एक्सरे थेरेपी का है, और ये 4 एक तरह का मतलब डिजीज हम लगाते हैं ना, और ये आपका फीमेल्स का है, तो ये आपका पूरा नंबर बन गया, एक सेकंड, फीमेल्स लंग का कहाँ चला गया, लंग्स का भी ऐड करेंगे ना, यस, ठीक है।
तो ये आपका 6253 था, ठीक है, ये आपका 6 था, तो हमने 6 इसको माइनस कर दिया था, फीमेल का था 9 है, ठीक है, और आपका लंग्स का था 4-5, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, 9F एल नाइन एफ होगा, ठीक है, और इसके बाद हम लंग्स का नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी एनर्जी 4 आएगी, यानी कि जो डिजीज है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो 6253 ये हमारा पूरा नंबर बन जाएगा किसका, एक्सरे थेरेपी ऑफ फीमेल्स लंग्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक फीमेल्स का हो गया, 4-5 लंग्स है, यानी कि पी, ये ई है, ठीक है, ये सिस्टम है आपका, सॉरी स्पेशल है, ठीक है, और ये आपका थेरेपी, ठीक है, ये 2E 2P में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, इसलिए मैं कोलन लगाया, ठीक है, ये कोलन है, आप इसे सेमीकोलन मत समझिएगा, ठीक है, इस ये आपका कॉमा है। तो आई होप आपको ये मतलब प्रॉब्लम्स जो आज हमने डिस्कस की वो आपको क्लियर हो होंगी। और इसके बाद आई थिंक यस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। यही आपका जैसे कि जो आपका रूल पार्ट का पेज दे रखा है जिसमें हम देख सकते हैं कि हम स्पेशल और सिस्टम को हमने कैसे ऐड किया। आप देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड है, तो हमने ये इन्फ्लेमेशन का ऑलरेडी बना हुआ है, और 4-5-1 आपका इन्फ्लेमेशन का आईलिड का नंबर ये दे रखा है, L18511। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं, 4 का नंबर हमें ऑटोमेटिक ऐड करना पड़ता है, बिकॉज जब तक हम किसी चीज़ को बीमार नहीं करेंगे तब तक का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से कैरेक्टोलॉजी का LB दे रखा हुआ है, ठीक है, LB आपका होंगे आदन 4:6, ठीक है। तो इस तरह से आपके बने बनाए नंबर आपको यहाँ पे, या फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू कैसे सिस्टम को हम स्पेशल के साथ ऐड करेंगे या पी ऑर्गेनिक्स ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ें एग्जांपल के थ्रू बताई रखी हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक आज का क्लियर हुआ होगा, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमने आज सॉल्व की, और आई थिंक आपको ये टॉपिक जो एल मेडिसिन का है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी बच गई हैं, जैसे कि हम सब्जेक्ट वाइज का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। और इसके बाद हमारी जो अगली क्लास होगी, तो अगली क्लास को करने के बाद हमारा जो चैप्टर एल मेडिसिन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप आगे पूछ सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।